हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं साइंटिफिक पैराडॉक्स और टाइम डायलेशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं साइंटिफिक पैराडॉक्स और टाइम डायलेशन। कितना अच्छा हो अगर हम भी ऐसे ही टाइम में बैक फॉरवर्ड पॉज प्ले कर सकते। कहने का मतलब है टाइम ट्रैवलिंग कर सकते। हम पास्ट में जाते और अपनी सारी गलतियों को ठीक कर लेते, दोबारा से एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस के आंसर ठीक ठीक लिखते और कॉलेज में टॉप करते। अपनी सारी फेवरेट चीज़ों को जो टूट चुकी हैं उनको टूटने से पहले ही बचा लेते और बहुत कुछ कर पाते और हम हमेशा खुश रहते। पर क्या हम कभी टाइम ट्रैवलिंग कर पाएंगे? तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक और आप देख रहे हैं साइंटिफिक पैराडॉक्स और टाइम ट्रैवलिंग समय यात्रा, या फिर आयरन मैन की तरह कहे तो। शक्ल क्यों उतरी है? टाइम डकैती में पेंट गीली हो गई क्या? टाइम ट्रैवलिंग शुरू से ही काफी लोकप्रिय टॉपिक रहा है लोगों के बीच, और इन पे बनी फिल्में जैसे बैक टू द फ्यूचर, लूपर, टर्मिनेटर, इंडियन फिल्मों में अक्षय कुमार की एक्शन रिप्ले, एमसीयू की एवेंजर एंड गेम और मेरी फेवरेट प्रीडेस्टिनेशन। टाइम ट्रैवलिंग पे बनी फिल्में लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं और इन फिल्मों की काफ़ी अच्छी कमाई होती है। क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग है इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक, पर टाइम ट्रैवलिंग जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है, और वो क्यों ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। और आज की वीडियो बेस्ड है एक पैराडॉक्स पे जिसका नाम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। तो चलिए जानते हैं इस पैराडॉक्स को। एक आदमी होता है बी, उसकी शादी होती है और वो अपने बेटे का नाम रखता है सी। सी बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा दिमागदार, चंट और चालाक होता है। वो बड़ा होकर एक साइंटिस्ट बनता है और वो एक टाइम मशीन बनाता है, और उस टाइम मशीन से वो पास में जाता है। पर जब वो पास में जाता है तो वहाँ जाकर वो गलती से अपने दादाजी को मार देता है अपने पिता के जन्म से ही पहले। तो अब पैराडॉक्स यहाँ पर ये बनती है कि जब सी अपने दादाजी ए को अपने पिताजी बी के जन्म से पहले ही मार देता है तो सी कैसे जन्मा? क्योंकि अगर दादाजी मर गए तो बी भी नहीं जन्मा होगा, अगर बी नहीं जन्मा होगा तो सी भी नहीं जन्मा होगा, राइट? फिर से समझते हैं। एक आदमी होता है बी, उसकी शादी होती है और वो अपने बेटे के नाम रखता है सी। सी बड़ा होकर एक टाइम मशीन बनाता है, उस टाइम मशीन से वो पास में जाता है और अपने दादाजी को मार देता है अपने पिताजी के जन्म से ही पहले। और अगर एक बार को ये मान लेते हैं कि सी ही ए था, मतलब सी ही बी का बेटा भी होता है और सी ही बी का पिता भी होता है जो कि पास में जाता है और बी की माता से शादी करता है, तो ऐसे में पैराडॉक्स यहाँ पर यह बन जाती है कि पहले कौन जन्मा, ए बी या सी, और कौन लास्ट में, और इनमें से कौन पास्ट टाइम में जन्मा है और कौन फ्यूचर टाइम में है। ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सोचिए, जब ये सब सुनने में इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो टाइम ट्रैवलिंग करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। पर इस पैराडॉक्स का एक सोल्यूशन अवेंजर एंड गेम में बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताया गया है, और वो क्या है हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पर उससे पहले अगर हम में से किसी को इस पैराडॉक्स का कोई सोल्यूशन पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और देखते हैं आप में से कितने लोगों को इस पैराडॉक्स का सोल्यूशन पता है, और अपने फ्रेंड से भी इस पैराडॉक्स का सोल्यूशन पता करें। और ऐसी साइंस वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि न्यू अपडेट्स आपको तुरंत मिलते रहें।